क्या आपके प्लांट्स पे ग्रोथ नहीं हो रही है? क्या आपने भी घर में मनी प्लांट या और कोई ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए हुए हैं लेकिन उनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है? तो आइए इस वीडियो में हम एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जानेंगे जिससे आपके पौधों की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिया फर्टिलाइज़र पर। ये यूरिया फर्टिलाइज़र है, ये केमिकल फर्टिलाइज़र होता है और ये 1 kg का पैकेट है और ये हर नर्सरी पे अवेलेबल होता है। आपको नर्सरीज़ पे अगर नहीं मिलता तो आप सीड जहाँ से ख़रीदते हो वहाँ से पूछ सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन जो इस प्रोडक्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप उसे भी लिंक से भी ख़रीद सकते हैं। और यूरिया फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा पोटेंट फर्टिलाइज़र होता है। गमलों में इसका जो है 5 से 10 दाने डाले जाते हैं, उससे ज़्यादा आपने इसे नहीं डालना। आप यूरिया को डालोगे, यूरिया बेसिकली जो है नाइट्रोजन का मेन सोर्स होता है पौधों में, तो पौधों पे पत्ते ज़्यादा आएंगे, हरे हरे पौधे हो जाएंगे, ज़्यादा ग्रीन कलर आएगा पौधों में और पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं इससे। तो यूरिया बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। आपके घर में जो भी प्लांट्स हैं, जितने आपके घर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जो भी लीफी प्लांट्स होते हैं, उनके लिए यूरिया बहुत अच्छा है। किसी भी एडिबल प्लांट में जैसे पालक हो गया, मेथी हो गई, ये भी पत्तों वाले प्लांट्स होते हैं, इनमें यूरिया मत डालिए। आप इसे घर के ऑर्नामेंटल प्लांट्स में डालिए, जैसे डिफिनबेकिया हो गया या फर्न हो गया या फिर एरोहेड वाइन है, इस तरह के जो भी पौधे आपने ऑर्नामेंटल घर में पत्तों वाले रखे हैं उनमें आप डालिए। दोस्तों, आप एक 10 या 12 इंच के गमले में जो है 5 से 10 दाने यूरिया के डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा मत डालिए। जब आप फर्टिलाइज़र डाल रहे होंगे तब आपको लगेगा कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ असर नहीं होगा इसका, लेकिन आप बाद में देखेंगे अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो पत्ते आपके पीले पड़ने लग जाएंगे और पौधा जलना शुरू हो जाएगा। तो इस फर्टिलाइज़र के 5 से 10 दाने डाल सकते हैं 12 इंच के गमले में, और हमेशा फर्टिलाइज़र देने के बाद पौधों को पानी दें। और दिन के टाइम पे फर्टिलाइज़र मत दें, आप छाया में शाम को फर्टिलाइज़र दें, कड़ी धूप में फर्टिलाइज़र मत दें, क्योंकि यूरिया से पौधे जल भी सकते हैं अगर आपने ज़्यादा धूप में दे दिया तो। इसके अलावा जो है, मैंने आपको मनी प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया फर्टिलाइज़र है, मैंने एक पिछली जो वीडियो बनाई थी मनी प्लांट पे, जिसमें मैंने जो है कंपोस्ट टी का बताया था आपको, उसमें मैंने काउ यूरिन भी डाला था। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि हमें काउ यूरिन अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ ऑल्टरनेटिव बताइए, तो ये मैंने केमिकल ऑल्टरनेटिव उसका बताया है। अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये फर्टिलाइज़र आपको कब देना है और कब बिल्कुल नहीं देना है। ये कुछ जो गर्मियों के महीने होते हैं, जैसे आप मई से लेकर के जुलाई के जो महीने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं प्लांट्स के लिए, और मई से लेकर जुलाई तक आप यूरिया की जो फर्टिलाइज़र ये मैं बता रहा हूँ ये आप किसी भी पौधे में मत डालिए। अगर आपका पौधा बहुत छोटा है, बिल्कुल यंग पौधा है, तब तो बिल्कुल भी मत डालिए, और मई से लेकर जुलाई के महीने में आप इसे अवॉइड करिए। बाकी आप सारा साल इसे मनी प्लांट्स में, जो भी फर्न है, जो भी मैंने आपको पौधे बताए हैं, वो सब में डाल सकते हैं, पूरे साल डाल सकते हैं, सिर्फ मई से लेकर जुलाई तक अवॉइड कीजिए। बाकी आपने इसके गमले में डाल दिया यूरिया, और आप इसकी फोलियर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, पत्तों के ऊपर छिड़कना जो है फर्टिलाइज़र को, वो भी कर सकते हैं। मैंने 1/3 teaspoon के करीब यूरिया ले लिया, उसे 1 liter पानी में घोल लिया और उसे स्प्रे बॉटल में डाल के आप सब पौधों के पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हैं, और जल्दी असर होता है और काफ़ी अच्छा आपको इसका असर दिखेगा। आप खुद इस्तेमाल करके देखिए तो आपको इसका असर दिख। इसके अलावा दोस्तों, आप सॉइल प्लांट की अच्छी रखेंगे, सॉफ्ट सॉइल बनाएंगे तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। यहाँ पर मैंने 50% कंपोस्ट और 50% कोकोपीट लिया है, ये एक अच्छा मिक्सचर है। मैंने अपना मनी प्लांट इसी मिक्सचर में उगाया हुआ है। मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे पिछली वीडियो के बाद कि आपका मनी प्लांट इतना लंबा कैसे है, इतना ज़्यादा फैल कैसे गया है, तो मैंने इसे बिल्कुल सॉफ्ट सॉइल में लगाया हुआ है। और इसको जो है प्रोपोगेट करने का तरीका होता है, कटिंग से बहुत जल्दी निकल जाता है, कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर लेता है। आप इसकी कटिंग को डायरेक्ट पानी में डाल सकते हैं तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसके अंदर से जड़ें निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, वरना आप इसे मिट्टी में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 3 node area लिए हैं मैंने। नोड एरिया वो होते हैं जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, तो 3 node area लिए हैं, और ये तीनों को, 3 में से 2 को आपने मिट्टी के अंदर रखना है और 1 आप बाहर रख सकते हैं। तो मैंने इतनी लंबी कटिंग ली है, 3-4 इसमें नोड्स हैं, आप भी इस तरह की कटिंग लेके उसे मिट्टी में लगा दीजिए, इसी मिक्सचर में आप लगा सकते हैं और बहुत आसानी से उग जाता है। आपने बस इसे पानी डालना है, मिक्सचर में लगाने के बाद आप इसे पानी दे के छाया में रख दें और बहुत अच्छे से उगता है ये प्लांट। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।